हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एपी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या नरेशन की सीरीज का अगला पार्ट, जहां पर हमें ये समझना होगा कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत लेट से हो जाए और एक सुझाव या प्रस्ताव का बोध हो तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में क्या देखा कि हमारे सेंटेंस की शुरुआत अगर लेट से हो रही थी और उससे इच्छा का बोध हो रहा था तो हम लोगों ने सैड को विश्ड में बदल दिया था। इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए हम लोगों ने दैट का यूज किया था। इसके बाद सब्जेक्ट को रखकर आगे का जो वाक्य था उसको हम लोगों ने शुड से बनाया था। लेकिन आज की बात मैं आपसे करूं तो आज हमारे सेंटेंस की शुरुआत कहां से होगी, लेट से या फिर लेटर से होगी। और ऐसी कंडीशन में अगर एक सुझाव या प्रस्ताव का बोध होगा तो हमें क्या करना होगा, ये सारी चीजें इसी वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं कि हमारा जो सेंटेंस होगा उसकी शुरुआत कैसे होगी। तो देखिए यहां से, यहां पर हमारे सेंटेंस की शुरुआत या तो लेट्स से होगी या फिर किससे होगी, लेटस, लेट अस, इस तरीके से हमारे सेंटेंस की शुरुआत होगी। और यहां पर क्या होगा, एक सुझाव या प्रस्ताव का बोध होगा। अब करना क्या होगा वो देखिएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अगर मैंने आपसे कहा सी सैड टू मी और उसके बाद उसने क्या कहा देखिएगा, लेट अस टेक टी। ये लड़की है जो मेरे पास आती है और क्या कहती है कि लेट अस टेक टी, चलिए चाय पीते हैं। और इसने मेरे सामने क्या रखा है, एक प्रपोजल ही तो रखा है। अब अगर इसको मैं इनडायरेक्ट करूंगा तो मैं आपसे कैसे बोलूंगा उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम करना होगा क्या, हमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी करने का, वो मैंने कर लिया। अब इस सेट को मुझे क्या करना होगा, प्रपोज्ड में बदलना होगा, पी आर ओ पी ओ एस ई डी। और ध्यान में एक बात को बैठा के रखिएगा कि सजेस्टेड और प्रपोज्ड के बाद कभी भी टू को नहीं हटाया जाएगा अगर उसके ठीक बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो। तो हमें यहां पर क्या, टू को लिखना होगा, फिर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लिया हमने। इसके बाद इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ा हमने, तोड़ने के लिए क्या लगा दिया, दैट। अब आगे का सेंटेंस कैसे बनेगा उसको ध्यान देखिएगा। हमारी ग्रामर कहती है कि दैट के ठीक बाद सब्जेक्ट के रूप में हम या तो बी लगा सकते हैं या फिर हम किसका यूज कर सकते हैं, दे का यूज कर सकते हैं। और दोनों में से आप कुछ भी एक लिख दोगे बिना सोचे समझे, आपका दोनों ही वाक्य ठीक हो जाएगा। चाहे आप बी लगा दीजिए और चाहे आप दे लगा दीजिए। बट अगर सेंस की बात करें तो उसको समझिएगा कि अगर यहाँ पर मी लिखा हुआ है, इस लड़की ने मुझसे कहा कि चलो चाय पीते हैं, तो चाय कौन कौन पिएगा, वो पिएगी और मैं, तो मैं और वो दोनों मिलकर क्या बन गए, हम बन गए। और हमको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बी। तो अगर यहाँ पर मी लिखा है तो आप सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर क्या लिखिए, बी। लेकिन अगर कोई और ऑब्जेक्ट होता तो आप क्या लगा देते, दी। बट फिर से मैं कहना चाहूंगा, ग्रामर कहती है कि दोनों में से चाहे जो भी लगा दीजिए आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। और इसी तरीके से इस सेट को चाहे प्रपोज्ड में बदल दीजिए और चाहे सजेस्टिव में बदल दीजिए, हमारी ग्रामर कहती है कि हमारा सेंटेंस सही ही माना जाएगा। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, बी। अब इसके ठीक बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, शुड। सब्जेक्ट के ठीक बाद को जो सेंटेंस है ना वो शुड से ही बनाया जाएगा। ठीक, इसके बाद शुड के बाद क्या लिखना, मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि क्या थी, टी। और फिर यहाँ पर ऐड कर लीजिए क्या, टी। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, सी प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड टेक टी। अगर मैं यहाँ पर सजेस्टेड लिख देता, यहाँ पर मैं दे लिख देता तो भी हमारा सेंटेंस ठीक ही माना जाता। बट सेंस को पकड़ के चलिएगा कि अगर यहाँ पर मी आ जाए तो बी लगाइए और मी ना हो तो क्या लगाइए, दे का यूज कीजिए। एक सेंटेंस और देखिएगा, अगर मैंने यहीं पर सेंटेंस को लिखा होता और मैंने आपसे कहा होता कि सी सैड टू हिम, सी सैड टू हिम, और उसके बाद उसने कहा कि लेट अस टेक टी। अब बात कौन कर रही है, लड़की कर रही है, किससे कर रही है, उस लड़के से कर रही है। तो चाय कौन पिएगा, वो लड़का और वो लड़की, और दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, वे। और इस वे के लिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ता, दे का यूज करना होता। तो सेंटेंस पूरा क्या बना, सी प्रपोज्ड टू और इस मी की जगह मुझे क्या लिखना होगा, हिम लिखना होगा। सी प्रपोज्ड टू हिम दैट दे शुड टेक टी। अब फ्रेंड्स एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको भी ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने आपसे कहा होता कि सैड टू हर, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब इस लड़के ने इस लड़की से बात की और क्या कहा वो देखिएगा। वो कहता है क्या कि लेट अस हेल्प
द पुअर। ये लड़का इस लड़की से क्या कहता है कि चलो गरीबों की मदद करते हैं। अब ऐसी कंडीशन में मदद करना यानी क्या, एक सजेशन की बात की जा रही, सुझाव दे रहा है वो कि चलो गरीबों की सहायता कर दें। अब इसको बनाते हैं तो सबसे पहले मैंने क्या किया, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी कर लिया। अब इस सेट को मुझे बदलना होगा किसमें, सजेस्टेड में SUGGESTED, फिर टू तो हमें लिखना ही था। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को भी कॉपी कर ले, इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए क्या रखना होगा, दैट लिखना होगा। अब सहायता कौन करेगा, ये करेगा और ये लड़की, यानी वे करेंगे, और वे करेंगे तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, दे। फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, शुड हेल्प द पुअर। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, ही सजेस्टेड टू हर दैट दे शुड हेल्प द पुअर। ये थी हमारी क्या डायरेक्ट स्पीच, और ये हमारी क्या होगी, इनडायरेक्ट स्पीच। एक एग्जांपल फ्रेंड्स और लेते हैं, जहां पर सेंटेंस की शुरुआत लेट्स से करते हैं। अगर यहां पर ऑब्जेक्ट ना होता, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने आपसे कहा होता सी सैड लेट्स टेक टी, सी सैड लेट्स टेक टी, तो ऐसी कंडीशन में मुझे यहां पर क्या लिखना होता, सी प्रपोज इस टू हिम को हटा दीजिए। अब टू नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट तो आ ही नहीं रहे, बाकी सारी चीजें देखो ऐसी बनने वाली है, सी प्रपोज दैट दे शुड टेक टी, या फिर यहां पर मगर बी भी लगा देते इस दैट के बाद तो भी हमारा सेंटेंस सही होता। एक बार फिर से देखिएगा, मैं यहां पर क्या लिखने जा रहा हूं, दैट को मैंने यहां पर लिख दिया, अब यहां पर मैं चाहे बी लिख दूं और चाहे दे लिख दूं, दोनों ही कंडीशन हमारा जो सेंटेंस होगा ना वो सही होगा। तो सेंटेंस क्या बना, सी प्रपोज दैट वी शुड टेक टी या फिर दे शुड टेक टी। आई होप कि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।